वेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले हमने शौकत बसरा साहब से बात की, उसके बाद दिलसगा के जो मनाजिर थे वो आपको दिखाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा 16 माह कैद काटने वाली आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। आलिया साहिबा से बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो ट्वीट किए जा रहे हैं वो, और उसके बाद जो उस्मा बुखारी साहिबा का ट्वीट भी हमारे सामने था कि लाहौर में तहरीक इंसाफ और पीटीआई जो है वो पुलिस पर पथराव कर रही है, पुलिस के साथ जो है लड़ाई की जा रही है, पुलिस के साथ हाथापाई की जा रही है, पुलिस वैन पर पथराव किया जा रहा है। आलिया साहिबा इस वक्त, आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा है। आलिया हमजा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी। आलिया साहिबा आवाज आ रही है आपको? जी आलिया साहिबा आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है, आप बताएं जमाल सर। आलिया साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने टाइम लिया। सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा, जरा इजाजत आपको मिल गई जलसे की कहना सब्जी मंडी के मकाम पर 43 शराइत के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदू है या का नस्ताइन। जी जमाल, आखिरकार इन्होंने हमें रात के 9 बजे गन्नसी पकड़ा दिया और कई शराइत के साथ। कि हमने जाहिर है, जिस तरह आपको पता है कि ये पार्टी बिल्कुल पुरअमन पार्टी है और हमने एप्लीकेशंस पर एप्लीकेशंस डीसी साहिबा को और डीसी साहब को जमा कराए, क्योंकि बीच में चेंज भी हुए और कई पिटिशंस भी हमें अदालत में लगानी पड़ी सिर्फ एक जलसा लेने के लिए। हालांकि माजी में मीनारे पाकिस्तान में कई पार्टीज जलसे कर चुकी हैं, लेकिन आज तक ना डीसी को एप्लीकेशन गई थी, ना हाईकोर्ट में जाकर जलसे की इजाजत लेनी पड़ी थी। उसके बाद नहायत गर्म किया गया और हमें एनओसी रात के 9 बजे, जब अगले दिन इन्होंने हमें कहा कि जी आप सिर्फ 2 से 5 बजे तक जलसा कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता, हमने सिर्फ बारात का टाइम बताया था, मतलब हमने सिर्फ कहा था बैंड बाजा लेकर आएंगे। इन्होंने तो प्रॉपर खाने का ये कहा कि जी इतने घंटे का एग्जैक्टली वही कि जी बारात इस टाइम पर रुखसत होनी ही होनी है, नहीं तो एक और पर्चा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आपने जितने मजालिम कर रहे हैं आप कर रहे हैं, आपने जितनी तकलीफें पीटीआई के लोगों को देनी है, जितनी फसदायत का मुजाहिरा करना है ना, अभी हमें जो खबरें आ रही है जलसा गा के हमारे सामान को पुलिस ले हो रही है और जब्त कर रहे हैं, तो आप इससे कर दें कि एनओसी में ये हमसे तो 43 शराइत बनवा रहे हैं और हमें ये इन्होंने कहा था कि ना ये कंटेनर लगाएंगे। लाहौर का नजारा आपने देखा, कंटेनर पर कंटेनर लग गए। जलसागा इन्होंने हमारे हवाले किए रात के 9 बजे, उसके बावजूद हमने सामान पहुंचाए, सामान भी पुलिस कंफिस्केट कर रही है, हमारे कारकुनों के डेरों और घरों पर हमले कर रही है, हमारी नजरबंदियों के ऑर्डर कर रही है। उसके बावजूद भी मैं ये बताऊंगी कल का जलसा होगा नहायत शानदार। आलिया साहिबा, इस वक्त बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, पिछले कुछ घंटे में बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, उन सब पर जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन है कि आपकी नजरबंदी के अहकामात भी जारी हैं, दुरुस्त है ये बात? जी बिल्कुल दुरुस्त है जमाल, मेरी नजरबंदी क्या हमारे बहुत से पीटीआई के लीडरान की इस वक्त नजरबंदी के ऑर्डर भी शुरू हो चुके हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि एक पार्टी जो अदालत के थ्रू आपसे जगह मांग रही है, हालांकि आप एनओसी हमें 14 अगस्त का जारी करने का हमें कह चुके थे, लेकिन आप ये सोचे इसके बावजूद पूरी पार्टी को नजरबंद करना चाहते हैं। इनका वैसे बस चले ना तो ये तो 25 करोड़ अवाम को नजरबंद कर देंगे, क्योंकि इन्हें खौफ तो यही है कि जलसे में अवाम ना आ जाए। और वैसे तो इस जलसे में क्लॉज लगानी रहती थी और ये लगा देते कि जी बस अवाम को ना बुलाइएगा, बाकी सब खैर है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि नजरबंदी के ऑर्डर्स करें, ये हमें पकड़ने की कोशिश करें, अवाम निकलेगी इस्लामाबाद जलसे में की तकरीर पर। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। और मैं अभी ये एनओसी ट्वीट करने लगी हूँ, क्योंकि जाहिर है ये एनओसी मेरे नाम पर इशू हुआ है, मेरी पिटिशन पर हुआ है, तो मैं एनओसी भी आपको शेयर कर देती हूँ, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई। और ऐसा कुछ हुआ कि इस वक्त कुछ खबरें ये भी जरे गर्दिश है कि अली अमीन खान गंडापुर जो है वो जलसे में नहीं आएंगे, कि मना किया गया है? मुझे आप एक बात बता दें, ये पाकिस्तान है,
और ये पंजाब है और ये लाहौर है, ये कोई मोगो एरिया नहीं है कि जी अली अमीन साहब लाहौर शहर नहीं आ सकते। मतलब ये तो ऐसे ही है कि हम कहें जी हमारी जो सीमेंट साहिबा है वो पेशावर नहीं जा सकती। तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहती हूँ कि हम उनको इनवाइट करते हैं, आप पेशावर में जलसा रखें, हम बैंड बाजा भी देंगे, हम आपको स्टेज लगाकर भी देंगे और ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो हम जलसा का भी आपको आवाम से भर देंगे। आप सिर्फ एक इतनी हिम्मत तो कर लें। तो वो जो शख्स है वो एपीके का सीएम है, पाकिस्तानी शहरी है, ये कोई हमें किसी से एनओसी आने के लिए नहीं लेना लाहौर में। और ये कैसी बात है कि अली अमीन साहब नहीं आएंगे? अली अमीन मेरा भाई है, वो आएगा भी इस जलसे को, वो वहां से अपने सारे पठान भाइयों को लीड भी करेगा और इंशाल्लाह ताला वो आकर एक इजारे यकजहती भी दिखाएगा अपने पाकिस्तानियों के साथ, अपने पंजाबियों के साथ, हम लाहौरियों के साथ। और मैं दूसरा आपको बता दूं और ये दुनिया को बता देगा कि पूरी पीटीआई का एक ही मुतालबा है आन को रिहा करना। इस वक्त उस्मा बुखारी साहिबा ने ट्वीट किया है और वो ये कह रही है कि आपकी जमात के जो लोग हैं तहरीक इंसाफ ने पुलिस पर पथराव किया है, रोड बंद किए हैं, पुलिस की जो कांस्टेबल्स हैं उनके साथ हाथापाई भी की है और पुलिस वैन पर पथराव भी किया है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इन्होंने हर पार्टी को अपनी तरह समझा हुआ है कि नैब पर पत्थरों से हमला कर दें, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें, पार्लियामेंट पे इनके नकाबपोश जो है वो गुटों समेत चले जाए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी अगर हम रात के 9 बजे तक डीसी ऑफिस में बैठकर एनओसी और जगह के इंतजार कर सकते हैं और आपकी फसलियत का जो हम तकरीबन 9 मई से हम मुकाबला कर रहे हैं वो भी पुरअमन होकर, पूरी दुनिया देख रही है कि एक तरफ पंजाब हुकूमत का ये जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो हमारे ऊपर जुल्म सितम ढा रही है और हम बड़ी ही तंगा पेशानी से उन सारी चीजों को बर्दाश्त करें क्योंकि हमें ये पता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी है, हमें इन जैसी रियासती दहशतगर्दी की जरूरत नहीं है। और बाकी मैं इनको ये बता दूं ये पुलिस वालों का हम जो सुन रहे हैं इस वक्त वो ये इनको कहने पर मजबूर है कि हमारी नौकरियां बाढ़ में जाए, हम पीटीआई के लोगों पर इतना जुल्म सितम नहीं कर सकते। मैं इन लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि कौन सा घर है जिसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दस इस हकूमत के अंदर महफूज रहा, कौन सा घर है जहां पर इनके लोग उन्होंने वहां की उस घर की बेहुर्मती नहीं की है। आज भी हमारे घरों के बाहर सरकारी अहलकार भी मौजूद है, हमें गिरफ्तार करने के लिए भी मौजूद है। अफसोस ये नहीं होता, अफसोस ये होता है कि हम अपने शहरों में, अपने शहर, अपने मुल्क में भी बेघर होकर देखें इनकी गिरफ्तारियों से सिर्फ इसलिए बचने के लिए कि कल हमने आवाम को ये बता रहे हैं कि हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, हम निकल रहे हैं और हमारे साथ इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा। जलसे के बाद देखेंगे 16 माह की जेल को गति है तो बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। आलिया साहब आप मुझे ये बस आखिर में बताइएगा, हमारी टीम कान्हा के मकाम पर भी मौजूद है, जो रिंग रोड है उसको कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक किया जा रहा है, जलसागाह में अभी तक आपका सामान नहीं पहुंच पाया, तो इस हवाले से कोई इंतजामिया से की बातचीत का आगाज हुआ है कि कंटेनर्स लगाए गए हैं जलसागाह का, जरा इंतजाम तो आपको दिया गया है, सौंप दिया गया है? देखिए जी मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ये जितनी मर्जी फसतायत कर लें इस वक्त मेरे पास जो विजुअल्स आ रहे हैं इट्स अमेजिंग विजुअल्स ये है कि गाड़ियों की एक बड़ी लाइन है जो कान्हा की तरफ जा रही है और जलसा का तो अभी से भरना शुरू हो गई है, ये कल का क्या इंतजार करेंगे। मेरे ख्याल में इनके एनओसी के बाद हम तो हमें तो जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि जिसने कल सुबह निकलना था वो आज रात को ही निकल रहा है और सुबह इंशाल्लाह लाहौर भी पहुंच जाएंगे और हमें पता है हमें अंदाजा है कि ये फसतायत का मुजाहरा करेंगे तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये हमारा स्टेज भी ना लगने दें, ये हमें कुछ भी ना करने दें तब भी जलसा होगा और हम दुनिया को दिखा देंगे कि पीटीआई हर दफा एक नई चीज मुतारिफ कराती है। तो ये इनके सारे ये जो दावे हैं इनकी सारी फसतायत धरी की धरी रह जाएगी और आप कल देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा क्योंकि लाहौर जाग चुका है, जब लाहौर जागता है तो पाकिस्तान 6 बजे जलसा खत्म कर पाएंगे आप लोग? इस्लामाबाद का जलसा 5 बजे खत्म नहीं हुआ, 7 बजे तो उसके बाद पर्चे हो गए आपके एमएनएस पर और फिर पार्लियामेंट पर, जिस तरह से जाहिर है हम सब ने देखा कि नकाबपोशों ने किस तरह से पार्लियामेंट के मेंबर्स को अरेस्ट किया,
तो फिर वक्त पर खत्म कर दिया जाएगा कल का जलसा। देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ इनको कि आपके पास जितने हथकंडे हैं ना, सब इस्तेमाल करें, कितने हथकंडे हैं, कुछ रह ना जाए। वो खान साहब ने कहा था ना, कहीं कोई रह तो नहीं गया, तो मैं इनसे कहूंगी कहीं कुछ रह तो नहीं गया जो आप हमारे पर आजमा नहीं सकते। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। अब देखते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, हमने तो करना ही करना है। ये अपनी फरदायत दिखाएंगे, हम दुनिया को ये बता देंगे कि पीटीआई पे पहले भी इंतशारी पार्टी होने का जो इल्जाम लगाते थे, वही खुद इंतशार फैलाते थे, वही खुद मजालिम करते थे। हम इस मुल्क के लिए, अपने लीडर की रिहाइश के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए हम इसी तरह से उनकी सस्ताइयत का मुकाबला करते रहेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि पाकिस्तानी पुरअमन कौम भी है, एहतजाज करना भी जानती है और अपना हक लेना भी जानती है। वेल आर्य साहब, थैंक यू, वी होप कि सब अमन अमान से हो जाए और पाकिस्तान जाहिर है सबका है, पाकिस्तान के तमाम सूबे के जो लोग हैं किसी भी जगह जा सकते हैं। थैंक यू आर्य साहब, कल इंशाल्लाह जलसागार से आपसे दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो मच आर्य साहिबा। आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। आपने उनको सुना, वो ये कह रही हैं कि जलसा हर सूरत गांडापुर ज़ाहिर इमरान खान ने कह दिया है और हमारे वो मेहमान हैं, हम उनको दावत देंगे और वो आकर पठान भाइयों को लाकर हम उनको वेलकम करेंगे। अब जरा आपको बताएं, कहना के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना है, इस वक्त किन शराइत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दी गई है? वो शराइत मेरे सामने मौजूद हैं जो कि आलिया हमजा साहिबा के नाम पर ये इशू हुआ, एफिडेविट अभी तक तो जमा कोई नहीं करवाया। इसमें क्या है? पहली शरायत ये है, ऑर्गेनाइजर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग स्टेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ लेडीज एंड जेंट्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी एग्जिट्स, मेजर्स ऑफ अवॉइडिंग कंट्रोलिंग स्टैम्पिंग एंड पार्किंग थ्रू द हायरिंग ऑफ अ प्राइवेट सिक्योरिटी वॉलंटियर्स। उसके बाद दूसरी शर्त यह है जो बताई गई है, ये बताया गया है, दूसरी शर्त है, जलसा फ्रॉम आउट ऑफ जत्थास फ्रॉम आउट ऑफ दिस सिटी शैल नॉट कम एंड डिस्टर्ब डेली रूटीन लाइफ विद इन लाहौर। लाहौर में दूसरे शहरों से जत्थे नहीं आएंगे और लाहौर का जो निज़ाम जिंदगी है उसको मफलूज नहीं करेंगे। तीसरी शर्त क्या है? कोई भी एंटी स्टेट या एंटी इदारा नारेबाजी नहीं होगी, स्टेटमेंट जलसे के दौरान नहीं दी जाएगी। चौथी शर्त है जी, जो लोग ट्रायल पर हैं हेट स्पीच के इस्लामाबाद के हवाले से, वो जलसे गा के जो स्टेज है उस पर नहीं बैठ पाएंगे। पांचवी शर्त क्या है? जो भी इश्तिहारी है वो इस जलसे में शिरकत नहीं करेगा, जो भी उसको फैसिलिटेट करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा।